हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में, भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। क्लास 12th बोर्ड चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं आज टिंडल इफेक्ट के बारे में। और ये जो टिंडल इफेक्ट है ये कोलोइड्स की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं टिंडल इफेक्ट की। अगर मैं बात करूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं 2009 में, 2010 में और 2014 में। अब बच्चों को क्वेश्चन ये आता है कि सर ये भी बताएं क्वेश्चन किस तरह से आता है। ज़्यादातर चांसेस तो यही हैं कि क्वेश्चन सीधा आएगा डिफाइन टिंडल इफेक्ट। अब और क्या बनता है, और किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है? और इस तरह से बन सकता है कि जो स्काई का कलर है वो ब्लू है, द कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू, वाई। या फिर आपको दो सोल्यूशन दिए हैं, एक ट्रू सोल्यूशन दिया है, कोलोइडल सोल्यूशन दिया है, उनमें से कौन से वाला कौन सा है, ये भी आप टिंडल इफेक्ट की वजह से ही बता सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है बोर्ड एग्जाम के लिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो क्लास 11th के लिए, 12th के लिए, वरिड हो स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, जेईई, नीट के लिए, सो डोंट वरी, इन सभी कैटेगरी से रिलेटेड मैं रेगुलर वीडियोज अपलोड करता हूँ। एंड जो वीडियोस होती हैं वो कैसे होती हैं, पहले मैं कंसेप्ट कराता हूँ, फिर उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन, बोर्ड के लिए प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन, और हर एक कंसेप्ट के बाद उससे रिलेटेड प्रीवियस 40 ईयर के एमसीक्यूज होते हैं जेई एंड नीट के लिए। एंड सभी वीडियो लेक्चर्स को आप फ्री में देख सकते हो अनअकैडमी पर, वो एड फ्री है, बड़ा फायदा ये रहता है वहां पे। एंड सबसे जरूरी बात कि आप उन सभी वीडियोज के नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। एंड क्या है, कलर्ड नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, आप ना भी चाहोगे तब भी आपका पढ़ने का दिल करेगा। तो सभी चैप्टर्स की वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक ओपन कीजिए, फॉलो कीजिए एंड वीडियोस का फायदा उठाइए। मिलते हैं अनअकैडमी पर। तो देखिए टिंडल इफेक्ट एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है? ऑप्टिकल मतलब समझ रहे हो ना, लाइट वाला फंडा है, लेंस वाला कुछ फंडा है। और अगली बात करें तो इसको ऑब्जर्व किसने किया था, टिंडल ने ऑब्जर्व किया था 1869 में। जैसे ब्राउनियन मूवमेंट को ऑब्जर्व किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। टिंडल इफेक्ट को डिफाइन किस तरह से करोगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ कोलोइडल सोल। देखिए जो कोलोइड्स के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, तो लाइट जब उनसे टकराती है ना तो वो सीधा पास नहीं कर पाती, वो टकरा जाती है, टकरा के इधर उधर फैल जाती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इस लाइट के टकराने को, फैल जाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये शायद आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बीम आपने लिए लाइट की, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट आ रही है, आपने उसको पास कराया ट्रू सॉल्यूशन में से और फिर आपने पास कराया कोलोइडल सॉल्यूशन में से। जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, बहुत छोटे होते हैं, तो लाइट उनमें सीधा पास कर सकती है। फिर आपने कोलोइडल सॉल्यूशन लिया, जैसे दूध है, दूध एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, पानी में शहद मिला दिया, और भी बहुत सारे एग्जांपल हमने किए हैं। तो जब आप उसमें से लाइट पास कराओगे तो लाइट उसमें से आपको जाती हुई दिखाई देगी। दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है टिंडल इफेक्ट की, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पास थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। जब आप एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट को पास कराते हो कोलोइडल सॉल्यूशन में से, तो उस लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है। इसी को आप लोग क्या कहते हो, टिंडल इफेक्ट कहते हो। घरों में देखा होगा आप लोगों ने कि वेंटिलेटर से, खिड़कियों से सनलाइट अंदर आ रही है, और वो सनलाइट का जो रास्ता है, जो पाथ है, वो विजिबल होता है। वो क्यों होता है, कुछ स्मोक के पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल उड़ रहे होते हैं और लाइट उनसे टकराती है और हमें फील आती है कि देखो भाई। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, सिनेमा हॉल होते हैं, अभी तो देखो मॉल का जमाना आ गया, पहले हॉल होते थे तो हॉल में बीड़ी सिगरेट फुल चलती थी, तो डस्ट के पार्टिकल बड़े उड़ रहे होते थे, तो पीछे से जो लाइट आ रही होती थी प्रोजेक्टर से वो विजिबल होती थी, लाइट उससे टकराती थी, उस स्मोक के पार्टिकल से, बीड़ी सिगरेट के धुएं से, तो लाइट का पाथ विजिबल हो जाता था। अब समझ में आ रही है ना बात, कि जो लाइट है जब कोलोइडल पार्टिकल से टकराएगी, ऐसे पार्टिकल से टकराएगी जिनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक है, तो लाइट स्कैटर करेगी। ये लाइट का जो पाथ विजिबल हुआ ना, ये जो लाइट आपको दिखाई देने लगी है कि हाँ भाई ये जा रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट आपको पता होनी चाहिए कि इसके लिए कौन सी कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कि डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। जो लाइट यूज की जा रही है
उसकी वेवलेंथ और डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल का जो डायमीटर है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर उसका डायमीटर बहुत छोटा होगा तो जो लाइट है उसको क्रॉस कर जाएगी, उससे टकराएगी नहीं, इधर उधर नहीं फैलेगी। अगली बात, देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में भी क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तभी क्या होता है, टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है। अगली बात, जरूरी बात, कि टिंडल इफेक्ट से ही, टिंडल इफेक्ट को देखने के बाद ही 1903 में अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को बनाना आसान हो पाया था। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो डायग्राम, यहाँ पे टिंडल कोन जैसा दिखाई दे रहा होगा आपको, क्लियर। चलिए एप्लीकेशंस की बात करते हैं, एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला फ़ायदा क्या है टिंडल इफेक्ट का? सबसे पहला फ़ायदा ये है, इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलाइड्स एंड ट्रू सॉल्यूशन। अगर आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन बना हुआ है स्पेशली, ठीक है, सीबीएसई ने ये क्वेश्चन दिया था कि आपके पास दो ग्लास हैं, एक में कोलोइडल सॉल्यूशन है, एक में ट्रू सॉल्यूशन है, तो आप उनको कैसे सेपरेट कर सकते हो? बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये भी है कि जो ट्रू सॉल्यूशन है उनमें से लाइट सीधी पास हो जाती है, कुछ भी पता नहीं लगता, बट जो कोलोइड्स होते हैं जब आप उनमें से लाइट पास कराते हो तो उनका पाथ विजिबल होता है। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू टिंडल इफेक्ट, जो आसमान का कलर नीला होता है इसमें भी टिंडल इफेक्ट रोल प्ले करता है, वो भी लाइट के स्कैटर करने की वजह से होता है। शाम को आसमान का जो कलर है वो सूरज के साइडों वाला जो कलर है वो ऑरेंज रेडिश ऑरेंज हो जाता है, वो भी टिंडल इफेक्ट की वजह से ही होता है। समुद्र का जो रंग है नीला है या फिर हरा दिखाई देता है कई बार, वो भी किस वजह से होता है, टिंडल इफेक्ट की वजह से होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिनेमा हॉल में पीछे से लाइट आती है, वो आपको लाइट दिखाई देती है कि हाँ यार ये लाइट जा रही है, वो किस वजह से दिखाई देती है बताइए? वो इस वजह से दिखाई देती है कि वहाँ पे कोलोइड्स होते हैं, उन कोलोइड से वो लाइट टकराती है, थोड़ी सी रुकावट पैदा होती है और फिर महसूस होता है कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ है, क्लियर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है टिंडल इफेक्ट, आई होप कि समझ में आ गया है आप लोगों को। सिंपल सा ही था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द कोलिजन या ड्यू टू कोलोइडल पार्टिकल्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। तो ये था सिंपल सा, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, लाइक कर देना। एक रिक्वेस्ट कि सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, डेली आपके लिए वीडियो आती रहेंगी, बोर्ड्स वालों के लिए तो डेली, जैसे कि एक प्रॉमिस किया हुआ है कि इस साल अपने चैनल से 1000+ बच्चों के आने चाहिए 80+ मार्क्स। रिक्वेस्ट ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके लिए डेली अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।